हेलो स्टूडेंट्स, आइए समझा जाए फजांस ने अपना रूल क्या दिया था। फजांस ने आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना जो है किस आधार पर किया था, उन्होंने क्या क्या बातें बताई थीं, कैसे आयनिक आबंध जो हैं आंशिक रूप से सहसंयोजी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या क्या बातें बताई, इसको हम लोग समझा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखें ध्यान से, जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में, जो सहसंयोजी आबंध है, कोवेलेंट बांड है, में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बांड वाला लक्षण होता है, आयनिक बांड वाला लक्षण होता है किसमें, कोवेलेंट बांड में। जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, ठीक उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है। आयनिक बांड में भी, इलेक्ट्रोवेलेंट बांड में भी कोवेलेंट बांड का लक्षण होता है। जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, ठीक उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है। आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना जो है फजांस ने किया था। आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फजांस ने किया था। उन्होंने क्या नियम दिया था? फजांस ने निम्नलिखित नियम दिए थे, निम्नलिखित बातें बताई थीं। पहली बात उन्होंने बताया कि धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर, धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। पहला कंडीशन यह है कि यदि धनायन के आकार जो है घट रहे हों, ऋणायन के आकार बढ़ रहे हों, तो उसमें आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। दूसरा, धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। ठीक है, यदि धनायन और ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ती है तो इससे आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि हो जाती है। तीसरा जो कंडीशन है वह यह है कि समान आकार तथा आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारी मृदा धातुओं के धनायनों के उत्कृष्ट गैस विन्यास की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप होता है। ठीक है, समान आकार तथा आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होगी जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारी मृदा धातुओं के धनायनों के उत्कृष्ट विन्यास की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं फजांस के नियम के बारे में। फजांस का नियम जो है वह आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना करता है। इसकी विवेचना इस आधार पर की जाती है कि फजांस ने क्या नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। तीसरी बात उन्होंने बताया कि समान आकार तथा आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होगी जिसका
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारी मृदा धातुओं के धनायनों के उत्कृष्ट गैस विन्यास की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप होता है। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है। धनायन जो है वह ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक आवेश को आकर्षित करता है और उसे ध्रुवित करता है, उसे पोलराइज कर देता है। धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके फलतः उनके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। धनायन और ऋणायन के बीच क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि धनायन जो है वह ऋणायन के इलेक्ट्रॉन की आवेश को आकर्षित करके उसे ध्रुवित कर दिया है, जिससे धनायन और ऋणायन के बीच आवेश की मात्रा बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया सहसंयोजी आबंध निर्माण के अनुरूप होती है। सहसंयोजी आबंध जब बनता है तभी यह घटना होती है कि उनके बीच में आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, वही घटना यहाँ पर भी होती है। यह प्रक्रिया सहसंयोजी आबंध के निर्माण के अनुरूप है, जिसमें दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, धनायन की ध्रुवण क्षमता ऋणायन की ध्रुवता तथा ऋणायन की ध्रुवण की मात्रा इत्यादि वे कारक हैं, वे फैक्टर हैं जो सम्मिलित रूप से किसी आयनिक आबंध की सहसंयोजकता के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। कोई आयनिक बंध कितना सहसंयोजी होगा, कितना परसेंट सहसंयोजी होगा, इसका निर्धारण करने वाले कारक जो होते हैं वे होते हैं धनायन की ध्रुवण क्षमता, ऋणायन की ध्रुवता तथा ऋणायन के ध्रुवण की मात्रा। धनायन की ध्रुवण क्षमता, ऋणायन की ध्रुवता तथा ऋणायन के ध्रुवण की मात्रा इत्यादि वे कारक हैं जो सम्मिलित रूप से किसी आयनिक आबंध की संयोजकता के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका फजान्स रूल के बारे में, जो आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना करता है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।